हेलो नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ GFR क्या होता है और कितने GFR पर आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी परसेंट किडनियाँ फंक्शनिंग है। तो सबसे पहले GFR होता है जिससे ये पता चलता है कि आपकी फिल्ट्रेशन पावर, आपकी किडनीज की फिल्ट्रेशन पावर क्या है। 100% GFR होना है मतलब कि आपकी किडनियाँ एकदम स्वस्थ हैं, आपकी किडनियाँ प्रॉपर काम कर रही हैं। फिर स्टेज वन, कई सारे स्टेज होते हैं किडनी डैमेज के। तो सबसे पहला स्टेज होता है स्टेज वन, जिसका मतलब आपका अगर GFR 90 और 100 के बीच में है, एकदम 100 नहीं है, 90 100 के बीच में, तो आपकी किडनियाँ 90-100 के बीच में काम कर रही हैं, यानी कि 100% काम नहीं कर रही हैं। अभी वो डैमेज होना एकदम शुरू ही हुई हैं, वो 91 भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। तो उसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ किडनी डैमेज। इसमें क्या होता है, आपके प्रोटीन, आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है और आपकी नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग से डैमेज शुरू हो सकता है। फिर स्टेज टू होता है जिसमें माइल्ड लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग, यानी कि थोड़ा सा जो किडनी फंक्शनिंग में ज़्यादा किडनी फंक्शनिंग का लॉस होता है, और इसमें क्या होता है, आपका GFR होता है 60-89% और आपकी किडनियाँ 60-89 के बीच में ही काम करती हैं, यानी कि थोड़ा सा और डैमेज हो जाता है इनके बीच में। और थर्ड स्टेज होता है, ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है आपके लिए। हो सकता है कि आप इस समय कुछ अनवेल फील करने लगें। वैसे ज़्यादातर किडनी डिजीज़ में लास्ट स्टेज में पता चलता है, लेकिन कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है, थर्ड स्टेज पर ही पता चल जाता है। थर्ड स्टेज होता है यानी कि आपका GFR 45-59 होगा, आपका GFR 45-59 और आपकी किडनी फंक्शनिंग भी 45-59 ही रह जाती है, और यहाँ पर आपका किडनीज थोड़ी और डैमेज हो जाती है, यानी कि जो शुरुआत हुई है वो थोड़ा आगे बढ़कर थर्ड स्टेज किडनी डैमेज हो जाता है। इसके बाद स्टेज आती है 3B। यहाँ पर जो आपकी किडनी डैमेज मॉडरेट थी, थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, ये अब सीवियर डैमेज हो जाता है। यहाँ से आपकी सीरियस किडनी डैमेजेस शुरू हो जाती है। तो सारी सीरियस है, पर यहाँ से आपकी किडनी डैमेजेस एकदम सीरियस हो जाती है, मॉडरेट से सीवियर हो जाती है। यहाँ पर आपकी किडनी फंक्शनिंग 30-44% हो जाती है, और ये सीवियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो जाती है। कई लोग तो यहाँ पे डायलिसिस शुरू हो जाती है, एडवाइस दे देते हैं डॉक्टर डायलिसिस कराने की। कई लोग लास्ट स्टेज तक भी डायलिसिस नहीं कराते तो उनका चलता है, यानी कि हर बॉडी के ऊपर, बॉडी पर निर्भर करता है। और यहाँ पर आपकी किडनीज 50% से भी कम काम कर रही होती हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेज, यानी कि सीवियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग, जिसमें सिर्फ आपकी किडनीज 15-29% ही काम करती हैं, आपका GFR 15-25 होता है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, पर कई लोगों को पता नहीं चलता है। फिर लास्ट स्टेज होती है 5th स्टेज, जहाँ पर फाइनली आपकी किडनी फेलियर हो जाती है। वहाँ पर आपकी किडनीज 15% से भी कम काम करती हैं, GFR 15% से भी कम हो जाता है, और यहाँ कहते हैं टोटली किडनी फेलियर, यानी किडनी फंक्शनिंग लॉस। यहाँ पे आपकी पूरी किडनियाँ लॉस हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, और ये कहते हैं इंड स्टेज किडनी फेलियर की, या फिर इंड स्टेज किडनी फंक्शन डैमेज। अब आपको जानना चाहिए कि किस स्टेज पर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, या किस स्टेज पर डॉक्टर्स डायलिसिस की एडवाइस देते हैं। तो 4th स्टेज पर जब आपकी किडनी फंक्शनिंग 30% से कम हो जाती है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस दे देते हैं डायलिसिस के लिए। जब आपकी GFR 15-29 के बीच में होता है और सीवियर लॉस ऑफ किडनीज हो जाता है, और आपकी किडनीज 30% से कम काम करने लगती हैं, तब डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आप डायलिसिस कराना शुरू कर दें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताइए नेक्स्ट वीडियो कैसे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही किडनी वेलनेस के रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और
जो कुछ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।